हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलआईट डेटाबेस टेबल से डेटा रीड करना। तो यहां पर हम एक पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे जो person.db डेटाबेस से कनेक्ट होगा और इस पर्सन टेबल से डेटा रीड करके प्रोग्राम में शो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एसक्यूएलआईट 3 पैकेज को इंपोर्ट किया है और उसके बाद हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं कनेक्ट फंक्शन। और इसके अंदर हमने उस डेटाबेस का नाम बताया है जिसे हमें कनेक्ट करना है, जो इस प्रोग्राम में है persons.db। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें कर्सर ऑब्जेक्ट बनानी होती है, जो यहाँ पर कनेक्शन क्लास का कर्सर मेथड बनाएगा। तो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसमें डेटाबेस इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कर्सर ऑब्जेक्ट बन चुकी है जिसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट से लिंक किया जा चुका है। तो अब हमें इस कर्सर ऑब्जेक्ट में क्वेरी पुट करना होता है, जिसके लिए हम कनेक्शन क्लास का एग्जीक्यूट मेथड यूज कर रहे हैं। और इस एग्जीक्यूट मेथड के अंदर पैरेंथेसिस में हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखी है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट क्वेरी क्यों लिखी है, क्योंकि हमें डेटाबेस से डेटा रीड करना है और डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए यूज होती है सेलेक्ट क्वेरी। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट क्वेरी पर्सन टेबल से सारी रो, क्योंकि हमने वेयर क्लोज नहीं लगाया है, और सारी कॉलम लेके आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल यूज किया है। तो इस क्वेरी का मतलब होगा कि पर्सन टेबल से सारी रो और सारी कॉलम रीड करके लाना है। तो स्टूडेंट्स, अब तक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन चुकी है। इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है जिससे कनेक्ट होना है, इसका रेफरेंस फोन के अंदर। फिर कर्सर मेथड ने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाई, कनेक्शन ऑब्जेक्ट से लिंक किया, उसका रेफरेंस कर वेरिएबल के अंदर आ चुका है। और एग्जीक्यूट मेथड यहां पर सेलेक्ट क्वेरी पुट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि हमने कमिट मेथड को कॉल नहीं किया है, क्योंकि हम एक ऐसी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने पर डेटाबेस की टेबल का डेटा मॉडिफाई नहीं होगा। अगर तुम ऐसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं जिसके फायर होने पर डेटाबेस की टेबल का डेटा मॉडिफाई होता है, तो वहां पे हमें कमिट कॉल करना होता है, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी में। बट सेलेक्ट क्वेरी एक ऐसी क्वेरी है जिसके एग्जीक्यूट होने पर डेटाबेस की टेबल का डेटा मॉडिफाई नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ कमिट की जरूरत नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर वो आपकी परमिशन का वेट ही नहीं करेगा और ये डायरेक्ट इस क्वेरी को जाके फायर कर देगा। और जैसे ही ये सेलेक्ट क्वेरी फायर होगी तो इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेबल आ गई होगी जिसमें कॉलम बनी है आईडी नेम है सिटी, और इसमें अपनी सारी रो प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर हमें कर्सर मिलेगा जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि ये कर्सर ऑब्जेक्ट क्वेरी को स्टोर करने के साथ साथ डेटा रीड करते वक्त एक कर्सर प्रोवाइड करती है जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को पॉइंट करता है, और इसीलिए इस क्लास का नाम कर्सर रखा गया है। और इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर सारी रोज मौजूद है। तो हमें कर्सर क्लास के अंदर मेथड्स दिए गए हैं जो इस कर्सर ऑब्जेक्ट से सारी रो को रीड कर सकते हैं, सेलेक्टेड रो को रीड कर सकते हैं, और सिंगल रो को रीड कर सकते हैं। और उन मेथड्स के नाम हैं फेच ऑल, और फेच ऑल को यूज किया जाएगा सारी रो को रीड करने के लिए। फेच मैनी, फेच मैनी को यूज किया जाएगा लेट से हमें टॉप 3 रोज रीड करनी है, और अगर तो हमें एक सिंगल रो रीड करनी है तो उसके लिए हमें मेथड दिया गया है फेच वन। तो यहाँ पर हमें क्योंकि सारी रो रीड करनी है कर्सर ऑब्जेक्ट से, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फेच ऑल मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर्सर क्लास का फेच ऑल मेथड यूज कर रहे हैं, और ये फेच ऑल मेथड क्या करेगा, एक एक करके सारी रो को रीड कर लेगा, और वो जो सारी रो रीड होके आई हैं उनको स्टोर कर लिया है हमने यहाँ पर पर्संस वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हम डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं। और यहीं पर हमारे प्रोग्राम में डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड फिनिश हो जा रहा है। उसके बाद हम पर्संस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करा रहे हैं, और क्योंकि इस पर्संस वेरिएबल के अंदर सारी रोज हैं तो हमें एक एक करके रो प्रिंट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। और ये फॉर लूप क्या करेगा, ये जो पर्सन वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी सारी रोज हैं उसमें से एक एक करके रो को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम उस रो को प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि रो की फर्स्ट कॉलम आईडी है, तो यहाँ पर हम पर्सन ऑफ 0 से आईडी कॉलम की वैल्यू, पर्सन ऑफ 1 से नेम कॉलम की वैल्यू, पर्सन ऑफ 2 से एज कॉलम की वैल्यू, और पर्सन ऑफ 3 से सिटी कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो क्योंकि पर्सन में हमारी सारी रोज थी तो हमने फॉर लूप के थ्रू
उन रो से वन बाय वन रो एक्सट्रैक्ट किया और फिर रो की एक एक कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, तो ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया है और ये हमारा आउटपुट आया है। तो चलिए इस आउटपुट को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स कर्सर क्लास का फेचोल मेथड कर्सर ऑब्जेक्ट से एक एक करके सारी रो को रीड करता है और रो को स्टोर करता है टपल के अंदर और उतनी टपल बनाएगा जितनी हमारी टेबल के अंदर रोज हैं और फिर उन सारी टपल को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्सर क्लास का फेचोल मेथड हमारे सारे रीड किए हुए डेटा को एक लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्म में देगा। तो जब हमने पर्सन की वैल्यू को प्रिंट कराया तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक लिस्ट ऑफ टपल मिला है। तो यहाँ पर एक लिस्ट है और एक टपल यहाँ पर एक रो के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर यहाँ पर एक और टपल बनी है। तो आपके इस लिस्ट के अंदर उतनी टपल बनी है जितने हमारे डेटाबेस के अंदर रो हैं और ये लिस्ट हमारी यहाँ पर एंड हो रही है। बट अगर तो हम इस तरीके से डेटा प्रिंट कराएंगे तो पाइथन प्रोग्रामर तो इस आउटपुट को समझ पाएगा, तो नॉर्मल यूजर के लिए ये आउटपुट यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। तो हमें ये आउटपुट इस तरीके से प्रिंट कराना है कि नॉर्मल यूजर आसानी से इस आउटपुट को समझ पाए। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये फॉर लूप चला रहे हैं। तो इस फॉर लूप में क्या होगा कि पर्संस जो एक लिस्ट ऑफ टपल है इसमें से एक एक करके टपल निकलेगी और ये टपल स्टोर होगी पर्सन में। और देखो हम इस टपल को प्रिंट भी करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, टपल। और टपल में पहली वैल्यू का इंडेक्स 0 होता है, दूसरी का 1, 2, 3। तो अगर हमें इस टपल से एक एक करके वैल्यू निकालनी है तो हमें इंडेक्सिंग लगानी होगी। तो हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग लगाया, तो पर्सन ऑफ 0 ने टपल की पहली वैल्यू दी, पर्सन ऑफ 1 ने दूसरी वैल्यू दी, पर्सन ऑफ 2 ने तीसरी वैल्यू दी है, पर्सन ऑफ 3 ने फोर्थ वैल्यू दी है। और पहली वैल्यू यहाँ पर आईडी है तो इसके सामने हमने आईडी लिख दिया है, दूसरी वैल्यू नेम है तो इसके सामने हमने नेम हेडिंग डाल दिया है, तीसरी वैल्यू एज है तो एज हेडिंग डाल दिया है, लास्ट वैल्यू सिटी है तो सिटी डाल दिया है। तो ये प्रिंट हम एक लाइन का गैप मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा आउटपुट यूजर फ्रेंडली आए। इसके बाद ये लूप फिर एग्जीक्यूट करेगी और फिर पर्सन लिस्ट ऑफ टपल से नेक्स्ट टपल पर्सन में आएगी। और देखिए यहाँ पर ये टपल भी प्रिंट हो रही है जब हम इस पर्सन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं और फिर इंडेक्सिंग से हमने उस टपल में से एक एक वैल्यू निकाल के प्रिंट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने सीखा पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलआई डेटाबेस टेबल से डेटा रीड करना। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।